राजनीति में संवाद का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। जब किसी जिम्मेदार के द्वारा अपनी भाषा नियंत्रित नहीं हो पाती तो यह और नीचे गिर जाता है। ऐसा ही कुछ सोमवार को संसद में देखने को मिला, जब लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पीएम मोदी की तुलना करते हुए कहा, बेमानी लगता है ये जरूर मैं कहूंगा, आप बहुत ज्ञानी है सरंगी जी, बहुत ज्ञानी है आप, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से, खासकर उनका नाम नरेंद्र मोदी है, इसलिए आप नरेंद्र दत्त को आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी से मिलावट करें, ये गलत है, ये जरूर मैं कहूँ, इस पर बुरा मत मानिए। मैं भी प्रधानमंत्री जी को सम्मान करता हूँ, जरूर सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये देश की प्रधानमंत्री बने हैं, एक बार नहीं दो दफे, तो इसमें तो सम्मान करना ही चाहिए। इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इतना ये हद तक तो नहीं गया ना, वो तो कहां कहां माँ गंगा और कहां गंधी नाली, ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो, हमें कुछ बोलने का मजबूर मत करो, हम भी सम्मान करते हैं, ऐसा बात नहीं, हम शुरुआती तौर पे कहा मैं सम्मान कर। इंदिरा गांधी और पीएम मोदी की तुलना करते हुए कहा कि इनकी तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने इंदिरा गांधी को माँ गंगा बताया और पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा मच गया। दरअसल लोकसभा में सोमवार को उस समय बखेड़ा खड़ा हो गया जब सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने नरेंद्र मोदी की तुलना गंदी नाली से कर दी। चौधरी ने कहा कि हम भी प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हैं, सम्मान करना भी चाहिए, क्योंकि वे दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन स्वर्गीय इंदिरा गांधी और मोदी की तुलना करते समय वे अपनी भाषा नियंत्रण में नहीं रख पाए। कांग्रेस नेता ने इंदिरा गांधी और मोदी की तुलना करते हुए कहा कि कहां माँ गंगा और कहां गंदी नाली। जैसे ही चौधरी ने यह कहा तो सदन में हंगामा मच गया। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सीधा सवाल पूछा कि क्या वह 2G और कोयला घोटाले में किसी को पकड़ पाए हैं। इतना ही नहीं, चौधरी ने कहा, आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सलाखों के पीछे भेज पाए हैं, आप उनको चोर कहते हुए सत्ता में आए थे, तो अब वह संसद में कैसे बैठे हुए हैं। हालांकि इससे पहले सदन में बालाकोट एयर स्ट्राइक की कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन को सम्मानित किया जाना चाहिए और उनकी मूंछों को राष्ट्रीय मूंछ घोषित किया जाना चाहिए। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी जिस समय अधीर रंजन चौधरी ने इस तरह की बातें की। राजनीति में इस तरह की तुलना और किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इस तरह की बातें अशोभनीय हैं। वेब 23 न्यूज़ के लिए अक्षय की रिपोर्ट।